शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिव वाहतुक सेना के अग्रवाल ने की 10,000 की मदद। राज्य सरकार की ओर से शिव भोजन थाली का आरंभ वाड़ी शहर के दत्तवाड़ी में किया गया। शिव भोजन थाली अब गरीबों के पेट की भूख मिटा रही है। शिव भोजन थाली निरंतर चलती रहे, इस उद्देश्य के चलते कुछ मदद की सहायता हो, इसे ध्यान में रखते हुए शिव वाहतुक सेना के जिला उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने 10,000 रुपयों की मदद का चेक सांसद कृपाल तुमाने व युवा जिला प्रमुख हर्षल काकड़े के हाथों सौंपा। इस पैसे से शिव भोजन थाली 1 माह तक मुफ्त में दी जाएगी। कोरोना में कोई गरीब भूखा न रहे, इसके लिए यह थाली मुफ्त में देने की जानकारी काकड़े ने दी है। अमरावती रोड आशा अस्पताल के बाजू में दत्तवाड़ी में सुबह 11 से 3 बजे तक शिव भोजन थाली गरीबों के लिए उपलब्ध रहेगी। शिव भोजन थाली को हमेशा शुरू रहने के लिए समाज सेवकों ने इस केंद्र को मदद करने की अपील दानदाता राकेश अग्रवाल ने की है। मुख्यमंत्री साहब यांच्या आदेशानुसार महाविकास आघाडी सरकार ने ही थाली 5 रुपयाची केलेली आहे व जास्तीत जास्त सेंटर महाराष्ट्रामध्ये वाढवण्यात आलेले आहे। त्याबद्दल मी संपूर्ण महाविकास आघाडीचे व आदरणीय मुख्यमंत्री नामदार श्री उद्धवजी ठाकरे यांचे फार फार आभार मानतो व त्याचसोबत आज जो उपक्रम वाडीमध्ये आम्ही राबवला आहे व त्याचं उद्घाटन केलं आहे त्यामध्ये माननीय श्री राकेशजी अग्रवाल वाहतूक सेनेचे उपजिल्हा अधिकारी आहे यांनी सुद्धा माननीय खासदार तुमाने साहेबांना 10,000 चेक देऊन सतत 15 ते 20 दिवस जे रोज आम्हाला इकडे 100 प्लेट शासनाकडनं भेटली आहे तर त्या 100 रुपये प्लेटला 5 रुपयाच्या हिशोबाने 500 रुपये त्यांनी आम्हाला 20 दिवसाचे आज वाहतूक सेनेकडनं गोरगरीब लोकांना त्यांच्याकडनं रोजचं जेवण आम्हाला भेट देण्यात आलेली आहे, त्यांचा पण मी आभारी आहो। त्याचसोबत माननीय कृपालजी तुमाने यांनी जे सहकार्य करून आम्हाला हे शिवभोजन थाली इथे करून दिलेली आहे, उद्घाटन करून दिले आहे, त्याबद्दल मी माननीय तुमाने साहेबांचा पण आभारी आहो। इन बीसीएन न्यूज के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।